इस भीड़ भाड़ और दिखावटी दुनिया में आज हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ और खुद को दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है। कुछ लोग जल्दी अपनी मंजिल पा जाते हैं तो कुछ लोग थोड़ा देर में, लेकिन अपने काम में ईमानदारी लगन वालों को एक दिन ऊपर वाला जरूर उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देता है। अब बात करते हैं कि अगर आप सच में कुछ अपनी ज़िंदगी में सबसे अलग और थोड़ा हटकर अपना टैलेंट को दुनिया के सामने प्रूव करना चाहती हैं, या आपका कोई बड़ा ड्रीम है, वो कुछ भी हो सकता है, करियर, पढ़ाई, नौकरी आदि, तो जो सबसे ज़रूरी बात है या यूं कहें कि मंजिल पाने की पहली सीढ़ी, वो है आपका भीड़ भाड़ शोर शराबा की दुनिया से अलग होकर खुद को अच्छे और शांत माहौल और अकेलापन की दुनिया। अकेलापन का मतलब ये नहीं कि आप सभी रिश्ते, परिवार, दोस्त को छोड़ दें, बल्कि यहाँ पर अकेलापन का मतलब है कि जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही रखें, सब चीज़ें दुनियादारी को भूल कर। क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ शोर शराबा और दिखावटी चमकती दुनिया में एक बार उलझ गए, तो फिर आपका दिमाग, आपका मन भी उलझ जाएगा। और जितना आप अकेले में अपने काम के प्रति अच्छा सोच कर, अच्छी प्लानिंग बनाकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, उतना भीड़ भाड़ में नहीं। क्योंकि अब आपकी मंजिल है तो सब कुछ सिर्फ आपको ही करना है। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग राय देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प और पूरे जानकारी के साथ खुद के काम में अकेले लग जाते हैं, पूरे ईमानदारी और लगन के साथ, तो फिर आपको आपकी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अकेलापन वो माहौल होता है जिसमें आपका पूरा ध्यान, आपके माइंड की पूरी क्रिएटिव, आपके सोच सिर्फ और सिर्फ आपके गोल, आपके काम में फोकस करवाता है। वैसे ही जैसे आप चारों तरफ सफाई करके एक सुंदर सा गमला अपने आंगन में लगा दें, तो आपकी नज़र सिर्फ सबसे पहले उस गमले पर ही पड़ेगी। वैसे ही अकेलापन सबसे बेस्ट होता है अपने गोल लाइफ के लिए। हाँ, कुछ लोग अकेलापन में निगेटिव सोच की तरफ ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो प्लीज़ आप कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार की निगेटिव सोच मत आने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको भटका कर आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही चांद और सितारों की रोशनी दिखाई देती है। वैसे ही आपका दिमाग और आपके मन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम में होना चाहिए। आप अकेले में खुद को मोटिवेट करते हैं, कैसे भी आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है और यही जुनून आपसे कुछ भी करवा सकता है। एक बार आपके अंदर आपके गोल के प्रति जुनून आ गया, तो फिर आपको उस मंजिल तक पहुंचने में दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। आप इतिहास की किताबें उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग, मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में चेंजिंग लाए हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी, फोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हों, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हों, ये सब अकेले में सबसे ज़्यादा अपने काम को और अपने टैलेंट को फोकस किए पूरे ईमानदारी और लगन के साथ, और जब सफल हो गए तो आज दुनिया उनको जानती है। जब तक अकेले में संघर्ष था उनका, उनको कोई नहीं देखा, क्योंकि उस समय वो अंधेरे में थे अपनी अकेले की दुनिया में, जिसे सिर्फ उन्होंने ही देखा, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम में था। उस टाइम उन्होंने दुनिया को देखा होता इस भीड़ भाड़ वाली और चमकती दुनिया में घुसे होते, तो आज उनको कभी दुनिया देखती नहीं और ना ही जानती। तो दोस्तों, आप कभी अपने मन में निगेटिव सोच मत लाइए, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपने काम को पूरे ईमानदारी और लगन से कीजिए। ऊपर वाला देखना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आप कभी आहत मत होइए, वैसे ही जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक सुंदर और सुनहरी सुबह का उदय जरूर होता है। अपने आप से और ऊपर वाले से उम्मीद कीजिए, दुनिया से नहीं, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल अभिजात चाहूँगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने नया नया यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं इंसानियत होने के नाते, इसमें भला आपका क्या चला जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।